दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह सीबीआई टीम जांच पहुंची। सीबीआई टीम दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के सरकारी आवास ए विंग दिल्ली सचिवालय पहुंची है। सिसोदिया के अलावा तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक इसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम केजरीवाल की आप सरकार बेनकाब हो गई है। भ्रष्ट व्यक्ति खुद को बेकसूर साबित करने की कितनी भी कोशिश करे वह भ्रष्ट ही रहेगा। दिल्ली में शराब की दुकानों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर यह सीबीआई जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसी धारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था। यह रिपोर्ट LG को सौंपी गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPM।